हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अवर यूपीएससी एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म बाय अक्षय। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स, हैप्पी रिपब्लिक डे। 26 जनवरी है आज, जो कि इतिहास में किस नाम से दर्ज है? अपने संविधान लागू होने के नाम से दर्ज है, और एक और नाम से दर्ज है। इस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और ये जो 26 जनवरी है 1930 को है, हमने पहला जो इंडिपेंडेंस डे बनाया था, ये इस नाम से मतलब कि दर्ज रहती थी, इसलिए हमारा संविधान लागू जो हुआ था 26 जनवरी को लागू हुआ। और जो ये बन तो पहले ही गया था हमारा संविधान, और लागू क्यों हुआ, लागू 26 जनवरी को क्यों हुआ, बिकॉज इस दिन आज़ादी से पहले हमने पहला जो इंडिपेंडेंस डे बनाया था, इसलिए। तो चलते हैं पहली न्यूज़ पे। पहली न्यूज़ अब आज है क्या, न्यूज़ पे जाने से पहले मैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैं जो लिंक दूंगा आपको टेलीग्राम का, वो आप ज्वाइन कर लें, बिकॉज़ यहाँ पे न्यूज़पेपर की पीडीएफ आएगी और भी यूपीएससी का मटेरियल मिलता रहता है यहाँ पे, जो कि आपकी तैयारी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, वो आपको फ्री में यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाता है, ताकि आपकी तैयारी जो है कंटिन्यूस चलती रहे। सो, अब चलते हैं पहली न्यूज़ पे। फर्स्ट न्यूज़ आज क्या है? फर्स्ट न्यूज़ जैसा कि आपको पता है, ये फार्मर से रिलेटेड न्यूज़ है। अब इसमें क्या है, दिल्ली पुलिस ने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने ये जो ब्रिज है, सिग्नेचर ब्रिज, ये बंद कर दिया, इसको मतलब क्लोज कर दिया कुछ टाइम के लिए। क्यों? यमुना के पास जो ये ब्रिज है, इसलिए कर दिया क्योंकि यूपी से कोई आंदोलन आ रहा था, ये जो फार्मर से ये इसको सपोर्ट करने के लिए, फार्मर वाले ये जो आंदोलन चल रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए दिल्ली से ये यूपी से कुछ लोग आ रहे थे। तो वो जो लोग आ रहे थे यूपी से, आंदोलनकारी एजिटेटेड लोग, तो उनको मतलब उनका ना कोई लीडर था, ना कोई मतलब डायरेक्शन लेस ये जो प्रोटेस्ट था। सो वहाँ से जो लोग आ रहे थे कि कोई वोलेशन ना कर दें, वोलेशन देखने को ना मिले, तो इसलिए ये मतलब किया गया है ऐसा, कि ये जो ब्रिज है बंद कर दिया। और वो जो लोग थे रेड फोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे कि रेड फोर्ट जाएंगे दिल्ली में, सो इसलिए ये जो है अपनों ने जो दिल्ली पुलिस ने है ये बंद कर दिया, ये जो वे है। सो सिग्नेचर ब्रिज ये बंद कर दिया कुछ टाइम के लिए, और ये आंदोलनकारी जो हैं आ रहे थे दिल्ली की तरफ, सो इसलिए, ताकि कोई वायलेंस जो है देखने को ना मिले, और कोई भी वायलेशन ना हो किसी भी कानून का, सो इसलिए ऐसा किया गया है। अब जो पास वाली न्यूज़ पे चलेंगे, पास वाली न्यूज़ जो है वो इंडिया चाइना से रिलेटेड है, कि इंडिया चाइना जो है उनमें वायलेंस देखने को मिली है। कहाँ पे मिली है? नाकुला पास पे क्या हुआ है? नाकुला पास पे क्लैश हुआ है हमारे इंडियन और जो चाइनीज़ जो ये सोल्जर हैं इनके बीच में। ये न्यूज़ तो वैसे 1 वीक पहले की है, जैसा कि मैंने आपका कल एक वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था, ये न्यूज़ तो वैसे 1 वीक पहले की है, लेकिन मीडिया ने कल कवर की है इसे 25 जनवरी को, और जो पब्लिश है वो आज हुई है ये न्यूज़। सो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लैश देखने को मिला है। कैसे? कि जो आपको पता है चीन जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और उन्होंने जो है सिक्किम के पास, सिक्किम में नाकुला पास है, वहाँ पे कोई हरकत करने की कोशिश की, जिसका हमारे जवानों ने बखूबी जो है जवाब दिया उसका। सो इसलिए जो है ये ये जो देखने को मिली है वायलेंस, और दोनों तरफ से जो घायल हुए हैं ये जो सोल्जर हैं अपने। सो ये एक न्यूज़ आप ध्यान में रखेंगे, और कहाँ कहाँ डिस्प्यूट है ये मैंने कल आपकी वीडियो में बता दिया था, कल की वीडियो में। सो आप ये देख लेंगे, बिकॉज़ ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, ये आपके पेपर में आ सकता है मेंस में। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो पास है पद्म विभूषण से रिलेटेड न्यूज़ है, अब ये पद्म विभूषण जो मतलब कि आगे वाले पेज पे दिया हुआ है वहाँ पे कवर करेंगे अपने ये भी न्यूज़। सो अपने देखेंगे आगे वाले पेज पे। अब आज तो एडवर्टाइजमेंट वैसे ज़्यादा हैं, आज न्यूज़ कम है। सो अपने देखेंगे न्यूज़ के बारे में आगे कौन सी न्यूज़ कवर की गई है। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा है आज की न्यूज़ में, जो आपको एडिटोरियल आज पढ़ने आप रीड करेंगे आज। सो एडिटोरियल एक आप ये रीड कर सकते हैं आज, ये भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है फर्स्ट, और जो परेड के बारे में बताया गया रिपब्लिक डे की, सो ये एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ऐसे बताया गया। एक ये आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा है। आज आप अपने शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल
बिकॉज़ इतनी न्यूज़ है नहीं। ये जो बनाया हुआ है कार्टून कोना, ये किससे रिलेटेड है? ये है जो फ्यूल के प्राइसेस है बढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड है। अब ये पहले कम थे, फिर और बढ़ गए, अब हाइक पे हैं बिल्कुल। सो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है, न्यूज़ क्या, ये कार्टून कोना है, सॉरी। अब ये न्यूज़ अपनों ने कवर कर ली थी, सिग्नेचर ब्रिज के बारे में बताया गया है। सिग्नेचर ब्रिज के बारे में बताया गया है इसमें। अब जो है आगे अपने चलेंगे, अब ये जो वहाँ पे क्लैश हुआ था उसके बारे में बताया गया है, जो क्लैश हुआ था। अब आप डिस्प्यूटेड एरिया ध्यान में रख लेंगे, मैंने कल की वीडियो में बता दिया था ये। सो आप कल की वीडियो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका। एक ये जो है वैक्सीन के बारे में बताया गया है इसमें। अब जो इम्पोर्टेंट है ये है, आपको पता है 26 जनवरी है, और 26 जनवरी को क्या होता है, अवार्ड जो हैं वो घोषित किए जाते हैं कि किन किन को अवार्ड दिए जाएंगे, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जो अवार्डीज़ हैं। अब कौन कौन से अवार्डीज़ हैं, ये जो हैं अवार्डीज़ ये हैं पद्म विभूषण के, और ये जो पास वाले अवार्डीज़ हैं ये पद्म भूषण के अवार्डीज़ हैं। अब पद्म विभूषण किन को दिया जाएगा, ये दिया जाएगा SP बाला सुब्रमण्यम को, और बेले मुनप्पा हैगड़े को, और मौलाना वहीजुद्दीन खान को, और नरेंद्र सिंह कापनी को और सुदर्शन साहू को दिया जाएगा, और बीपी लाल और शिंजो आबे जो जापान के PM थे पहले उनको दिया जाएगा। ये किन को, ये क्या है, पद्म विभूषण। सो अब पद्म भूषण के बारे में जानेंगे अपने। पद्म भूषण किन को दिया जाएगा, के एस चित्रा को, सुमित्रा महाजन को, सुमित्रा महाजन हमारे लोकसभा की पहले स्पीकर थी, और नृपेंद्रा मिश्रा को, नृपेंद्रा जो सिविल सर्विस में थे पहले, और ये केशुभाई पटेल, ये शायद गुजरात के नहीं, ये कहीं के वो भी थे शायद, ये गवर्नर थे पहले, कहाँ के थे अब मुझे ऐसे याद नहीं है, करेक्ट कर सकते हैं आप मुझे कमेंट में, इनबॉक्स में जो है आप कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ के थे ये। ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये पहले गवर्नर थे। सो अब रजनीकांत देवीदास को दिया जाएगा, तरुण गोगोई को दिया जाएगा, चंद्रशेखर कंबारा को दिया जाएगा, रामविलास पासवान जो कि सेंट्रल मिनिस्टर थे, जो खाद्य विभाग में थे, त्रिलोचन जो हैं सिंह उनको दिया जाएगा, कालबे सदीक को दिया जाएगा। सो ये दिया जाएगा पद्म भूषण। सो ये इम्पोर्टेंट नेम है, आपको याद होनी चाहिए, ये वन डे एग्ज़ाम में वैसे पूछ लेते हैं। सो आपको वैसे भी इनको पता होना चाहिए अवार्डीज़ किन किन को अवार्ड दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और भी बहुत से अवार्ड दिए जा रहे हैं, जैसे ग्लैंट्री मेडल जो हैं उनके बारे में बताया गया है। अब ग्लैंट्री मेडल ये देखिए पास वाली न्यूज़ पे, जो CAPF वाले जवान हैं अपने, जो CAPF वाले जवान हैं उनको दिए जाएंगे 207 जो ग्लैंट्री अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे। अब ये 207 ग्लैंट्री जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे, जिसमें से क्या अलग से जो 900 हैं अवार्ड वो दिए जाएंगे पुलिस वालों को, 900 पुलिस वालों को दिए जाएंगे इनमें से, और कुछ जो है बाकी जो सेंट्रल CAPF को दिए जाएंगे। सो अब एक न्यूज़ जिसमें ध्यान में देने वाली बात है, आपको पता ITBP जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, जो उनको मतलब कि कुछ नहीं दिया जा रहा अभी, उनके लिए कोई भी मेडल अभी अनाउंस नहीं किया है। अब उनके लिए इस आर्टिकल में बताया गया कि उनको लिए भी मतलब अनाउंस करना था, क्यों, बिकॉज़ अब जो आपको पता है एक साल से जो क्लैश देखने को मिल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, सो मुकाबला कौन कर रहा है डटकर वहाँ पर, ITBP वाले भी कर रहे हैं, वो वहाँ पर एक साल से मतलब उनको धकेले हुए है, अच्छा जवाब दे रहे हैं चाइना वालों को। सो उनके लिए भी कुछ मतलब कि अनाउंस करना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं बताया गया है अभी तक। सो ये एक आप ध्यान में रखेंगे न्यूज़, बिकॉज़ ITBP वालों के लिए कोई भी मेडल अभी नहीं बताया है। अब ये जो पास में न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे अपने। महावीर चक्र, पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे महावीर चक्र दिया किसको जाता है। अब जैसे वॉर के दौरान कोई भी शहीद हो, जो मतलब कि बहादुरी दिखाई हो जिसने, उनको जो दिया जाता है ये अवॉर्ड। अब इनको क्यों दिया गया है, संतोष बाबू को, कर्नल संतोष बाबू जो हैं ये कौन है, ये वो हैं आपको पता है पिछले जो जून महीने में हमारे जो 20 जवान हैं वो शहीद हुए थे, उनमें से एक जवान जो है
20 जवान शहीद हुए थे, उनमें से जो एक जवान हैं वो थे कर्नल संतोष बाबू। अब कर्नल संतोष बाबू को क्या दिया जा रहा है, महावीर चक्रा जो ऑनर है। अब इससे अपने क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि चाइना को, ताकि देखे कि ये जो हमारे लिए कंडीशन बनी थी, जो 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, सो ये हमारे लिए एक वॉर से कम नहीं था, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, महावीर चक्रा दिया जा रहा है इनको। सो आप इसके बारे में ध्यान में रखेंगे, महावीर चक्रा इनको दिया जा रहा है, गलवान हीरो हैं ये आप ध्यान में रखेंगे। अब वुमेन जो हैं, फार्मर्स बिल, अब आपको पता है फार्म बिल जो 3 आए हैं गवर्नमेंट के, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। अब फार्म बिल्स जो तीन आए हैं, अब तीन फार्म बिल्स कौन कौन से आए हैं, 3 फार्म बिल्स हैं। एक तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, सो फार्मर्स, और ये फर्स्ट बिल था, और सेकंड जो बिल था वो फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट, जो मतलब कि फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 है। और जो थर्ड जो आया था फार्म बिल, उसमें था एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसके बारे में बताया गया था। अब ये तीन जो बिल आए हैं, अब इनके लिए आपको पता है प्रोटेस्ट चल रहा है। अब अगर ये मतलब ये जो रिपील नहीं होते हैं तो ये वुमेन हैं इन पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज जो बर्डन है वो इन्हीं पर रहता है, इनके नाम पे कोई ज़मीन तो होती नहीं है और ये मज़दूरों की तरह काम करते हैं। अब बर्डन किसका रहेगा इन पे, बर्डन जो फार्म डेब्ट्स है जैसे, और सुसाइड का, श्रिंकिंग का, इनकम्स का, एंड इकोलॉजिकल जो डिज़ास्टर है, ऐसे बर्डन इन पर देखने को मिलते हैं। आपको पता होगा कि वुमेन हैं वो भी खेती के काम में लगती हैं और मजदूरी करती है, और इनके नाम पर कोई ज़मीन नहीं होती है। सो ये आपको देखने को मिलेगी न्यूज़ एक आगे भी। अब आपको पता है व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उस पर बवाल मचा हुआ है, ये व्हाट्सएप जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके ऊपर आर्टिकल आया हुआ है। आपको पता है ये कंसर्न बना हुआ है, व्हाट्सएप ने जो अपनी पॉलिसी चेंज की है। अब व्हाट्सएप पहले क्या होता था, इनक्रिप्टेड होते थे मैसेजेस, जो भी बात होती थी कि व्हाट्सएप नहीं देख सकता था, लेकिन अब क्या हुआ है, अब व्हाट्सएप ने एक पॉलिसी चेंज की है जिसमें मतलब कि एग्री का ऑप्शन आया था बीच में, कि एग्री आपको इसको एग्री करना ही पड़ेगा, डिसएग्री का इसने ऑप्शन ही नहीं दिया था जो पॉलिसी चेंज की थी। सो इसलिए बवाल मचा हुआ है। अब बवाल इसलिए मचा हुआ है बिकॉज़ कुछ चाहते हैं कि हमारी जो बातें हैं देख सकें, कुछ चाहते नहीं देख सकते, बिकॉज प्राइवेसी का इशू होता है। सो हर कोई चाहता है कि हमारी प्राइवेसी में कोई आए ना, सो ऐसा रूल भी है हमारे, प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी है, सो इसको हार्म हो रहा है, तो इसलिए ये जो है बवाल मचा हुआ है। अब व्हाट्सअप क्या करेगा, व्हाट्सअप हमारे सारी जो पिक हैं, स्टेटस है, वो देख सकता है अब इस पॉलिसी के बाद में, आफ्टर दिस पॉलिसी, अब हमारे जो स्टेटस लगे होंगे जो व्हाट्सअप पे, और ये जो हमारी जो स्टेटस लगे होंगे और जो पिक लगी होगी व्हाट्सअप पे, डीपी जिसको कहते हैं, वो लगी हुई या चैट वगैरह है हमारी, देख सकता है कुछ, तो ये मतलब इसमें प्राइवेट जो पॉलिसी है उसमें आया है। अब ये गलत बात है, ये ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अब आपको अगर जो शिफ्ट होना चाहते हैं, मतलब व्हाट्सएप को छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए दो मतलब कि ऐप भी हैं, मैं बता दूं आपको, सिग्नल ऐप, एक सिग्नल ऐप आती है वो भी व्हाट्सएप का जो है ऑप्शन है, सिग्नल जो ऐप है वो व्हाट्सएप का ऑप्शन है, अच्छा, और एक जो है टेलीग्राम, ये बेस्ट ऑप्शन है जो व्हाट्सएप के हैं। अगर आप व्हाट्सएप से शिफ्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम और सिग्नल ऐप आपके लिए अच्छी है। सो ये आपको बता दी मैंने न्यूज़। अब चलेंगे अपने आगे वाले पे, आगे वाली जो 12 नंबर की न्यूज़ है, एक्सीलरेटेड वैक्सीन ड्राइव जोन। सो अब सेंटर जो है वो सोच रहे हैं कि मतलब कि अच्छा वैक्सीन जो है अच्छा काम कर रही है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। सो अब जो सेंटर है वो चाह रही है कि इस जो वैक्सीन प्रोग्राम है इसको बाकी स्टेट में भी फैलाया जाए, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि ये जो वैक्सीन है अदर स्टेट में भी फैलाई जाए, स्प्रेड किया जाए इस प्रोग्राम को। सो वो बताया गया है इसमें। अब देखेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। अब ये आपको पता है लॉकडाउन था, लॉकडाउन के टाइम किसी का काम नहीं चल रहा था, सभी बेरोजगारी से मारे हुए थे, और किसान आ रहे हैं मतलब कि बहुत से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे वर्कर्स को निकाला गया था,
काफ़ी मतलब कि बेरोज़गार हो गए थे। लेकिन इन्हीं के बीच में भी एक ऐसे इंसान थे जिनका जो काम है अच्छा चल रहा था, जैसे हमारे ये मुकेश अंबानी हैं, इनका कारोबार जो बढ़ रहा था। अब ऑक्सफैम जो रिपोर्ट निकालती है, पब्लिश करती है, उसमें मतलब कि बिलियनर के नाम जो होते हैं, अब उसमें बताया गया है कि मुकेश अंबानी जो हुए, जो बिलियनर्स हैं, उनकी जो है प्रॉपर्टी घटी नहीं है, मतलब कि उल्टी बढ़ी है लॉकडाउन के दौरान 35%, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है, ये जो ऑक्सफैम ने छापी है, पब्लिश की है इसको, सो उसमें बताया गया है ये। सो ये आप ध्यान में रखेंगे एक न्यूज़। अब जो आपको पता है, एक यूपी का लॉ आया था जो रिलीजन वाला, एंटी रिलीजन वाला, सो वो जो आया था अपने बिल कानून जो आया था, ऑर्डिनेंस लेके आई थी यूपी गवर्नमेंट, उस पे जो कह रहे थे कि सुनवाई करेंगे, उसको पेटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे सुनवाई नहीं करेंगे। सो सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी इंटरवीन जो इसमें है नहीं किया। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गए तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही सुनवाई करेंगे इस पे, जो अगली सुनवाई होगी जो फरवरी 2 को होगी। सो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो यूपी का जो कन्वर्जन लॉ है ये आप जाने। अब इसमें क्या है, इसमें जो महिलाओं का ज़बरदस्ती जो है रिलीजन चेंज कराते हैं, उससे रिलेटेड ये जो है लॉ है। सो इसको आप देख लेंगे, इसको आप पता होना चाहिए, वैसे न्यूज़ जो हैं जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको पता होगी ये बातें, नॉर्मल हैं। सो अब चलेंगे अपने आगे वाली न्यूज़ पे। अब आगे वाली जो न्यूज़ है, पेज नंबर 15 पे देखेंगे अपने वर्ल्ड में क्या चल रहा है। वर्ल्ड में चल रही है मॉडर्ना। अब मॉडर्ना जो है, अब मॉडर्ना के बारे में ये न्यूज़ आई है, मॉडर्ना जो है यूएस की वैक्सीन है। सो अब कह रहे हैं कि मॉडर्ना जो वैक्सीन है काफ़ी इफेक्टिव है अभी तक वर्ल्ड में, कि इसका जो डाटा है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इफेक्टिव जो है, एफिकेसी डाटा अच्छा है और काफ़ी असरकारक है ये जो वैक्सीन है। मॉडर्ना के बारे में आप देखेंगे, मॉडर्ना जो है यूएस की वैक्सीन है, कोरोना वायरस की ये वैक्सीन है मॉडर्ना। सो अपने चलेंगे अब आगे वाली न्यूज़ पे, पेज नंबर 16 पे आएंगे। पेज नंबर 16 क्या है, बिजनेस पेज। सो बिजनेस पेज पे क्या बताया गया है, जिनके भी व्हीकल जो हैं 15 ईयर से अबव हैं उनको जो है ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। ग्रीन टैक्स क्या है, अब ग्रीन टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रीन टैक्स एक ऐसा टैक्स है, जैसे कि हम कोई व्हीकल चलाते हैं तो हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, सो हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं इसलिए हमको एक टैक्स देना पड़ता है, जिसको कहते हैं ग्रीन टैक्स। सो ये है ग्रीन टैक्स, सो इसको बढ़ाने की सोच रहे हैं। और ये जो टैक्स है वो 15 ईयर से जो अबव का जो व्हीकल है उस पर भी लगेगा। सो ऐसा बताया गया है इस ऑर्डिनेंस में, क्या इस टैक्स में। अब जो पास वाला जो ये आर्टिकल है, ये बताया गया है कि जो ये कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ सकती है। जल्दी गवर्नमेंट का इरादा है कि अगले बजट में है जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाएगी, किन पर, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गुड्स पे सॉरी सर्विसेज पे नहीं। सो ये आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए, वैसे नॉर्मल न्यूज़ ये है आज, तो आज इतनी कोई खास न्यूज़ आ नहीं रही है, आर्टिकल थे आपको बता दिया। तो 26 जनवरी को आज इतनी ही न्यूज़ थी, कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज इतनी थी नहीं। सो कल देखते हैं, कल के न्यूज़पेपर में देखेंगे कितनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए आज मैंने लेट एनालिसिस किया है इसका, जो अपने द हिंदू न्यूज़पेपर है। सो आप क्या करें, आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको न्यूज़ जो है मिलती रहें इम्पोर्टेंट, और जो बेल आइकन है आप प्रेस कर लें उसको, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको यूपीएससी का मटेरियल मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए इतना ही।